बादशाहे वक्त ने अपने वजीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज्यादा कैसे खुशबाश फिरते हैं जबकि इनके पास कुछ नहीं और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अपने किसी खादम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक सुराही में 99 दिरहम डालकर सुराही पर लिखिए, इसमें तुम्हारे लिए 100 दिरहम हदिया है। रात को किसी खादम के घर के दरवाजे के सामने रख कर दरवाजा खटखटा कर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देख लीजिए। बादशाह ने जैसे वजीर ने समझाया था वैसे ही किया। सुराही रखने वाले ने दरवाजा खटखटाया और छुप कर तमाशा देखना शुरू कर दिया। अंदर से खादम निकला, सुराही उठाई और घर चला गया। दिरहम गिने तो 99 निकले जबकि सुराही पर लिखा 100 दिरहम था। सोचा, यकीनन एक दिरहम कहीं बाहर गिरा होगा। खादम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और दिरहम की तलाश शुरू कर दी। उनकी सारी रात इसी तलाश में गुजर गई। खादम का गुस्सा दीदनी था। कुछ रात सब्र और बाकी रात बक बक और जक जक में गुजरी। खादम ने अपने बीवी बच्चों को सुस्त भी कहा क्योंकि वो दिरहम तलाश करने में नाकाम रहे थे। दूसरे दिन ये मुलाजम हल में काम करने के लिए गया तो उसका मजाज कड़वा, आंखों से जगराते, काम से झुंझलाहट, शक्ल पर अफसुर्दगी आया थी। बादशाह समझ गया कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। लोग उन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाई होती हैं और सारी जिंदगी उस एक नेमत के हुसूल में सरगर्दा रहकर गुजार देते हैं जो उन्हें नहीं मिली होती। और ये वाली रह गई नेमत भी अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है। जिसे अता कर देना अल्लाह के लिए बड़ा काम नहीं हुआ करता। लोग अपनी इसी एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दा रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम मजाजों को कड़वे करके जीते हैं। अपनी 99 मिल चुकी नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानिए और इनसे मुस्तफीद होकर शुक्र गुजार बंदे बनकर रहिए। अल्लाह पाक हमें अपना शुक्र गुजार बंदा बना दे। आमीन।